आप सबको ये अपडेट तो पता ही होगा कि जो अभी बैटल बुल के जो हमारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं स्मार्ट वॉलेट में, वो 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। बट हमें क्या करना है उससे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट मैं ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप अगर सोच रहे होंगे तो हम अपने एयर ड्रॉप को विड्रॉ नहीं करेंगे, जब एक्सचेंज में होगा तो उसको हम विड्रॉ करेंगे और तभी एक्सचेंज में भेजेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलेगा। जो मेन अपडेट है मैंने उसको वीडियो के बीच में बताया है, तो वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। एक्सचेंज में जब लिस्ट होगा और उसको एक्सचेंज में सेल आउट कर सकते हैं, बट आपका ये एक प्रोसेस बंद हो जाएगा कि स्मार्ट वॉलेट में आप इसको जाके फ्रीज करके डेली रिवॉर्ड क्लेम करने का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा बस। बट आप इसको विड्रॉल करके एक्सचेंज में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो कोई स्मार्ट कॉइन ख़रीद के फ्रोज नहीं किया है, ये वीडियो उनके लिए है कि वो विड्रॉल कर सकते हैं, एक्सचेंज में बेच सकते हैं। आप टेंशन मत लो, गेम को खेलो और जुड़े रहना हमारे अल्टीमा इकोसिस्टम कम्युनिटी में और खेलते रहना बैटल बुल। अभी यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि स्टेज 1 पे इसने ये बोला है कि आपका विड्रॉल स्टॉप हो जाएगा अक्टूबर 31 को, तो आपको उससे पहले ही करना है, तो आज से ही आप स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि लास्ट डे में अगर सब जन एक ही दिन करेंगे तो नेटवर्क कहीं जाम हो सकता है, आपका एयरड्रॉप आने के लिए टाइम भी हो सकता है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सेकंड स्टेज में 9 फरवरी मंथ में ओपन करने वाले हैं सेकंड स्टेज ऑफ गेम, और वहाँ पर हम फिर से अपने एयर ड्रॉप को स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो फरवरी में होगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप अभी ये विड्रॉल नहीं करते हैं तो आप एक्सचेंज में भी जाके इसको बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 31 को आपको विड्रॉल करना ही है। कैसे भी करके आपको फ्रोज करना है तो भी विड्रॉल करना है, अगर आपको एक्सचेंज में बेचना है तो भी विड्रॉ करना है। विड्रॉ करके रखिए अगर आप फ्रोज नहीं करेंगे तो भी, बट आपको विड्रॉ करना है पक्का। क्योंकि जब लिस्ट होगा एक्सचेंज में तो आपको स्मार्ट वॉलेट से ही लेके जाना पड़ेगा एक्सचेंज में, तो ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, तो आपको फिर ये एयर ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा फरवरी मंथ में, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैं अपने स्मार्ट कॉइन को विड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी मैंने कल ही यहाँ पर अराउंड 6 अकाउंट से मैंने अपने बुल स्प्लिट टोकन को विड्रॉल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे स्मार्ट वॉलेट में दिख रहे हैं। तो ये प्रोसेस तो आपको सबको पता ही होगा कि कैसे विड्रॉ करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर फ्रीज बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, जहाँ पर आपको एक स्मॉल बटन दिख रहा है जो फ्लावर का, वहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नया इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको फ्रीज करके जहाँ पर लिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वहाँ पर अपने स्मार्ट वॉलेट को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मैक्स का, और यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करने का। तो आपको दो ऑप्शन है, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं मैक्स करके या मैनुअली उसको कट करके। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कितना आपको बुल स्प्लिट टोकन को फ्रीज करना है वहाँ पर आप टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हमें कितना यहाँ पर अभी फ्रोज करना है, और उसके बाद हम नीचे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रीज पे यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। फिर आपको गूगल ऑथेंटिफिकेशन दे देने का यहाँ पर, और आपका एयर ड्रॉप यहाँ पर फ्रीज हो गया है।